दोस्तों सलमान खान की नेक्स्ट फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। अब यशराज फिल्म अपने स्पाई यूनिवर्स की इस मूवी के सॉन्ग को भी रिलीज करने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इसके ऊपर नए अपडेट्स भी आ चुके हैं। टाइगर 3 के पहले गाने का नाम लेकर प्रभु का नाम होने वाला है, जिसमें पहली बार सलमान खान संग अरिजीत सिंह की जोड़ी बनने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक अवार्ड शो के दौरान सलमान खान अरिजीत सिंह से नाराज हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि इस अवार्ड शो में अरिजीत सिंह एक गाने को कंप्लीट करके डायरेक्ट उस अवार्ड शो में ही चले आए थे, बिना अच्छे से ड्रेस हुए, यानी कि साधारण वेशभूषा में। वो इतने ज्यादा थके हुए थे कि वो वहां जाकर सो गए थे और उन्हें अवार्ड रिसीव करने के लिए कई बार बुलाना पड़ गया था। फिर जब वो स्टेज पर आए तब सलमान खान और रितेश देशमुख, जो कि इस अवार्ड शो को होस्ट कर रहे थे, उन्हें अरिजीत सिंह ये कह गए कि आप लोगों की होस्टिंग के चलते वो थककर सो गए। हालांकि उन्होंने इस बात को मजाक में कहा था, लेकिन सलमान खान को उनकी ये बात काफी ज्यादा नागवार गुजरी। नतीजा ये रहा कि फिल्म सुल्तान के गाने जग घूमिया से उनकी आवाज को राहत फतेह अली खान की आवाज से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसके बाद अरिजीत सिंह ने फेसबुक पर उनसे माफी भी मांगी और उनके गाए गाने को ना हटाने की अपील भी की सलमान खान से, लेकिन सलमान खान के आगे किसी की भी नहीं चली। वहीं अब सालों बाद म्यूजिक कंपोजर प्रीतम और यशराज फिल्म्स ने सलमान खान को मना लिया है, जिसके बाद अरिजीत सिंह सलमान खान को शुक्रिया कहने उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट भी पहुंचे थे। तो अब पहली बार अरिजीत सिंह सलमान खान के लिए लेकर प्रभु का नाम गाना गाने वाले हैं, जो कि आपको 23 अक्टूबर को देखने को मिलने वाला है और ये एक रोमांटिक ट्रैक होने वाला है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब टाइगर 3 के गाने भी लॉन्च होने वाले हैं। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।